Hello and welcome to Current Affairs Daily Dose of 13 September 2017. This video is brought to you by CLAT Gurukul. To download daily current affairs PDF, visit clatgurukul.com. And for any query, you can call us on 8294394519. You can subscribe our All India Mock Test series by visiting this link clatgurukul.com/exam. हमारा नवंबर से स्टार्ट होने वाले क्रैश कोर्स के अंदर एडमिशन शुरू हो चुके हैं. ये क्रैश कोर्स 3 मंथ्स का होगा और 1 नवंबर 2017 से शुरू हो जाएगा. इसके अलावा आप हमारा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. इस प्रोग्राम के अंदर 15 मॉड्यूल्स के थ्रू कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाता है और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के साथ में मॉक टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओपन्स for India's first transgender's exclusive clinics, and the answer is Kerala. Kerala के अंदर India का first transgender exclusive clinic खुल रहा है और ये जो clinic है इसके अंदर sex reassignment surgery या फिर sex change surgery की facilities available होगी. ऐसा plan किया गया है कि Kerala state के सारे medical colleges के अंदर, government medical colleges के अंदर ऐसी एक्सक्लूसिव ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स ओपन की जाएगी और इस तरह की पहली क्लिनिक ओपन की जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टायम, KOTTAYAM. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब आइए कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग केरला के बारे में. केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम है पिनारई विजयन. Now, moving on to the next question of the day, which of the following state ties up with Mother Dairy for the processing plant? Mother Dairy के processing plant के साथ में कौन से state ने tie up किया है recently? And the answer is Maharashtra. Maharashtra government के साथ में Mother Dairy Fruit and Vegetable Private Limited ने एक agreement sign किया है, MOU sign किया है, tie up किया है, जिसके अंदर एक लीज साइन की गई है और ये लीज साइन की गई है प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर. अब महाराष्ट्र के विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन के अंदर मिल्क प्रोड्यूसर्स को मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा नागपुर एंड मुंबई के अंदर. अब आइए देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें. महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस. अब आइए कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग मदर डेयरी के बारे में. मदर डेयरी जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी है. इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव खन्ना और ये फाउंड हुई थी 1974 में. लास्टली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इन मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द गवर्नमेंट विल इशू रुपीज 105 रुपीज 5 कॉइंस एंड द आंसर इज एमजी रामचंद्रन. एमजी रामचंद्रन भारत रत्न अवार्डी हैं और साथ ही साथ ये तमिलनाडु के एक्स सीएम हैं, एक्स सीएम ऑफ तमिलनाडु. आइए कुछ चीजें जान लेते हैं अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में. तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई. और यहाँ के सीएम है ई के पलानी स्वामी. और एक स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से याद रखने वाली चीज है कि 26 जनवरी 1950 के अंदर फॉर्मेशन हुआ था तमिलनाडु का. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which company appeared in Fortune's annual list of top 50 companies that are changing the world? And the answer is TCS. TCS मतलब Tata Consultancy Services को Fortune के जो annual list होती है company जो कि companies that are changing the world उनके अंदर 30th position मिली है. 30th position है और इंडिया की तरफ से ये only entry है जिसको कि Fortune की कंपनीज दैट आर चेंजिंग वर्ल्ड लिस्ट के अंदर नाम मिला है, जगह मिली है. अब ये जो प्लेस मिली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, टीसीएस को, इसका सबसे मेन कारण है कि एक एम कृषि, KRISHI नाम की एक ऐप है
उसके कारण ये ऐप क्या करती है, जो आपके फार्मर्स हैं उनको एडवाइस, मार्केट इन्फॉर्मेशन और वेदर डाटा ये प्रोवाइड करती है, और उनको कस्टमाइज रूप से हेल्प करती है। अब आइए हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस की पेरेंट कंपनी है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी है। इसके की पीपल के अंदर सबसे पहले हैं इसके चेयरमैन, इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन चेयरमैन है, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं सीपी गुरनानी। ये 1968 के अंदर बनी थी, और इसके फाउंडर थे जे आर डी टाटा एंड एफ सी कोहली। अब आइए कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं फॉर्च्यून मैगजीन के बारे में। इसके एडिटर इन चीफ हैं क्लिफ्टन लीफ, CLIFTONLEAF, और इसके फाउंडर हैं हेनरी ल्यूस, LUCE। ये 1929 के अंदर बनी, और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट एडवांस होम्योपैथी वायरोलॉजी लैब इनॉग्रेटेड इन, एंड द आंसर इज कोलकाता, ACRRIH। डॉक्टर अंजलि चटर्जी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी इन कोलकाता के अंदर पहली, अपनी वन ऑफ इट्स काइंड पहली रिसर्च लैब खुली है, वायरोलॉजी लैब खुली है, जिसके अंदर वायरस से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, लाइक इन्फ्लुएंजा या डेंगू होता है, उनसे रिसर्च से रिलेटेड एक होम्योपैथी लैब खुली है। इसका काम होगा नए टाइप की ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर करना, जो कि कॉम्बेट कर सके वायरस रिलेटेड डिजीज को। वायरस रिलेटेड डिजीज आजकल हर जगह बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, और इससे कॉम्बेट करने के लिए ये एक वन ऑफ इट्स काइंड, अपने आप में पहली एक ऐसी लैब है जो कि कोलकाता के अंदर खुल रही है। अब आइए कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। हलीमा याकूब इज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, एंड द आंसर इज सिंगापुर। हलीमा याकूब सिंगापुर की 8th प्रेसिडेंट बनी है, और 13 तारीख को, 13 सितंबर 2017 को हुए इलेक्शंस के अंदर सबसे एलिजिबल कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं को चुना, और ये निर्विरोध चुनी गई। ये सिंगापुर के 5 डिकेट्स के हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं, और ये मलय एथनिक सिटी से हैं, MALAY, मलय। और इसके अलावा सिंगापुर के की पर्सनल हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली सीन लूंग। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और इसके अलावा यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 5th EAS इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन, एंड द आंसर इज फिलीपींस। रिसेंटली फिलीपींस के पसाए, PASAY सिटी के अंदर EAS ईस्टर्न ईस्ट एशिया समिट जो है इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की, वो अभी हेल्ड हुई है। इस समिट के अंदर, इस मीटिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ के मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स जो हैं या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो लोग इकट्ठा हुए, उनकी मीटिंग हुई है। ये 5वीं EAS इकोनॉमिक मिनिस्टर्स समिट है। और आइए अब चीजें कुछ जान लेते हैं हम लोग फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, MANILA, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो दुतर्ते, DUTERTE। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ की करेंसी है पेसो, PESO। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बाल्जन प्राइज रिसेंटली, एंड द आंसर इज
बीना अग्रवाल। अब बीना अग्रवाल को जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, बालजन प्राइज मिला है जेंडर स्टडीज कैटेगरी के अंदर, जेंडर स्टडीज कैटेगरी के अंदर। इन्होंने जो अपनी स्टडी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर वुमेन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने स्टडी किया है और उसके लिए बीना अग्रवाल को ये बालजन प्राइज मिला है। बीना अग्रवाल को प्राइज मनी के तौर पे 7,50,000 फ्रैंक्स मिलेंगे जो कि 790,000 डॉलर्स के बराबर हैं। अब इस प्राइज की खास बात यह है कि जो भी प्राइज मनी मिली है इसका हाफ अमाउंट आपको रिसर्च वर्क के लिए यूज करना होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, बीना अग्रवाल अब प्रेजेंटली प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सितंबर 2017 इज ऑब्जर्व्ड एज अ यूनाइटेड नेशन डे फॉर, एंड द आंसर इज साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 12 सितंबर 2017 को यूएन ने साउथ साउथ कोऑपरेशन डे ऑब्जर्व किया है और इस डे को एज अ सेलिब्रेशन माना जा रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ साउदर्न कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, जो भी रिसेंट ईयर्स में डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटवर्दी है, इस डे की थीम है साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वापस लिख लीजिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी सब थीम है रोड टू द 40th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ द ब्यूनोस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन, BUENOSAIRES प्लान ऑफ एक्शन, इसकी 40th एनिवर्सरी के लिए। अब आइए कुछ चीजें जान लेते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंटली 193 मेंबर्स हैं और दो मेंबर्स को अभी ऑब्जर्वेशन स्टेटस पे रखा गया है। इसका मतलब टोटल 193 स्टेट्स अभी प्रेजेंट मेंबर हैं और दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और इसके जो हेड होते हैं उन्हें सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। प्लस एक और चीज जो बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, यूएन चार्टर साइन किया गया था 26 जून 1945 को और ये फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। Now moving on to the next question, which among the following tied up with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC, and the answer is PayU। IRCTC जो है वो Indian Railway की catering website है। ये सुविधा provide कराती है कि आप online e-tickets book करा सकते हैं। तो अभी presently e-tickets book कराने के लिए बहुत सारे options आपके पास available हैं, plus एक PayU भी एक एडिशनल ऑप्शन जुड़ गया है जिसके थ्रू सेफ एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूजर्स या फिर अपने टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जानने की है IRCTC इंडियन रेलवे की सब्सिडरी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में IRCTC का हेडक्वार्टर है। और बाकी PayU क्या है, एक पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे क्या होता है, जो इंटरफेस जिस इंटरफेस के थ्रू हम लोग
कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी पेमेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेमेंट गेटवे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च प्रोजेक्ट टू डेवलप द पुअरेस्ट वार्ड इन मुंबई, एंड द आंसर इज सचिन तेंदुलकर। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके साथ में जो इस क्वेश्चन के साथ में जो फिगर जुड़े हैं सचिन तेंदुलकर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि लास्ट ईयर इन्होंने या फिर कुछ टाइम पहले एक ऐप लॉन्च की थी 100 MB, तो काफी सारे वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी काफी चांसेस हैं कि सचिन ने जो इस पुअरेस्ट वार्ड ऑफ मुंबई को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसमें इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है रिसेंट ट्रेंड को देखते हुए। अब ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मिशन 24। इस मिशन 24 के अंदर ये जो 24 है, ये आने वाले 24 महीनों को डिनोट करता है। नेक्स्ट 24 मंथ्स के अंदर सचिन तेंदुलकर का एक प्रोजेक्ट है, एक मिशन है कि जो पुअरेस्ट वार्ड है मुंबई के अंदर उसको डेवलप करेंगे और उसको रहने लायक बनाएंगे। वहां पर जितनी भी फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, एकोमोडेशन है या फिर सैनिटेशन है, इन सब की जितनी भी फैसिलिटीज है इसको इम्प्रूव करेंगे और काफी हद तक इसे रहने लायक बनाएंगे। अब इसके अलावा देख लीजिए कि ये जो पुअरेस्ट वार्ड इन मुंबई है, ये पुअरेस्ट वार्ड मैक्सिमम ई मुंबई के अंदर आते हैं। ई मुंबई मीन्स ईस्ट मुंबई के अंदर आते हैं, और ईस्ट मुंबई के अंदर भी शिवाजी नगर देवनार एंड मनखुर्द, इन जगहों पे सचिन तेंदुलकर के ये प्रोजेक्ट मिशन 24 काम करेंगे। सचिन तेंदुलकर हम सभी को पता है कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज्यादा चीजें बताने के लिए इनके बारे में जरूरत नहीं है हमें। नाउ दिस इज ऑल फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर ग्रुप ऑन फेसबुक बाय विजिटिंग दिस लिंक facebook.com/group/clatinside। वी ऑल्सो टेक क्वेरीज ऑन दिस ग्रुप, और इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, इसका लिंक है facebook.com/clatgurukul। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लैट से रिलेटेड या फिर हमारी कोचिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी या हमारे फोन नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।